नमस्कार मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक आज की कुछ ज़रूरी और अहम खबरें जो इस देश में सबसे ज़रूरी है जो सोशल मीडिया पर वायरल है सोचिए आज लोग शहादत दिवस मना रहे हैं किस तरह से गुर्जर आंदोलन में तिहत्तर लोग शहीद हुए थे वसुंधरा राज्य की सरकार थी वो आरक्षण की मांग कर रहे थे और उन सब की मौत हुई थी अब करोड़ी सिंह बैंसला नहीं रहे तो आज पूरा देश पूरा बहुजन समाज उनको याद कर रहा है दूसरी सबसे खबर इस महिला की बाइट सुनिए और ये तस्वीरें देख लीजिए अलीगढ़ में किस तरह से एक मोहल्ले में आ, सागवान सिटी में शेड्यूल कास्ट के लोग अपना घर बेचने के लिए मजबूर है क्योंकि वहाँ के जो जातिवादी मनुवादी है वो कह रहे हैं कि आप हमारे घरों में आप हमारे मोहल्ले में शेड्यूल कास्ट हैं तो नहीं रह सकते हैं ये सबसे दर्दनाक और मरमसपरसी खबर है कल भी मैंने आपको दिखाया था इस महिला की बाइट सुन लीजिए और वीडियो भी देखते जाइए तस्वीरें देखते जाइए कि, कि कितने अच्छे अच्छे घर मतलब अगर अमीर भी हैं पैसा भी है तो भी जाति आपकी जाति नहीं है और जाति की वजह से किस तरह से परेशान किया जा रहा है ये आप देख लीजिए तो जाति पूछ के ये हमें फ्लैट दिए गए थे अगर ऐसा ही था जाति के बेस पे ही अगर ये सब कुछ करना था तो हम जब खरीदने आए थे तो हमें बता देना चाहिए था कि जी एस सी के लिए यहाँ अलाउ नहीं है यहाँ पे सिर्फ हाई कास्ट के लिए ही अलाव है वही यहाँ पे मकान खरीद सकते हैं बाकी के लोग नहीं खरीद सकते हैं अगर यही चीज समय कोई कंडीशन रखी गई थी कुछ नहीं, नहीं कोई कंडीशन नहीं कोई नहीं, इस नहीं, इस कुछ भी नहीं भी भी था, था। आप खरीदो आप अच्छे से रहो एक रहोसिलिटी किसी चीज की कोई दिक्कत नहीं है आप आराम से रहेंगे सोसाइटी बहुत अच्छी है सभी पढ़े लिखे लोग हैं और सारी चीजें बहुत अच्छी हैं मतलब इतना शिक्षित समाज होते हुए भी और ये सारी चीजें हो रही हैं तो इसका क्या मतलब है सागवान जी ये बोल के बेच है ना पहले प्रॉपर्टी को से, पहले से बता, पहले 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 से बता कि हम इस, इस वर्ग को नहीं देंगे दिन से ही पड़ा ये, ये, ये बोलना चाहिए देखें तो ये सबसे बड़ा सवाल है जो मैं आपको आज बता रहा था और इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है तो ये सबसे बड़ी खबर थी लेकिन एक चीज अच्छी बात होने लगी है कि अब टेलीविजन पर लोग सवाल पूछने लगे हैं चित्रा एक शो कर रही थी ज्ञान बापी मस्जिद पर एक युवक ने पूछा रोजगार कहाँ है रोजगार पर कितने शो किए दो सेकंड का एम्बियंस सुन लीजिए हमने अभी आने से पहले आपके चैनल को देखा विगत सात दिनों में एक भी जन सरकार के मुद्दे का कोई भी चर्चा नहीं है लगातार किया है लगातार किया है एक तस्वीर है हम आपको दिखा नहीं सकते हैं बीकानेर में एक शेड्यूल कास्ट के शख्स की हत्या कर दी गई है निर्मम तरीके से उनके गुप्तांग भी काट दिए गए हैं हम तस्वीरें नहीं दिखा सकते हैं ये देखिए ओबीसी महासभा छतरपुर में ये बहुत अहम खबर है मध्य प्रदेश में लगातार विरोध प्रदर्शन चल रहा है ओबीसी का और 21 तारीख को मैसी बंद हुआ था जिसकी तस्वीरें अब भी आ रही है और 2014 हज़ार सोचिए पेट्रोल को लेकर क्या हुआ है पहले दाम बढ़ा दिए गए फिर उतना ही घटा दिए गए मीडिया प्रधानमंत्री की वाहवाही कर रहा है मतलब बढ़ाने के लिए वो जिम्मेदार नहीं थे लेकिन दाम घटाने के लिए वो जिम्मेदार हैं और ये तस्वीर देखिए गुर्जर आंदोलन लगातार सामने आ रहा है और इसीलिए विनोद कापड़ी ने कहा है। मोदी ने पहले तेल का दाम आसमान तक पहुंचा दिया जिसकी ज़िम्मेदारी मोदी ने कभी नहीं ली फिर मोदी ने तेल के दाम कुछ कम कर दिए ये बिहार के वैशाली जिले की तस्वीर है जहाँ एक एक अधिकारी ने एक शख्स को थप्पड़ मार दिया और वो कैमरे में कैद हो गया इसलिए मैं एस सी एस सी ओ बी के विस्टी अधिकारी विस्टी। हो कर्मचारी हो या आम आदमी आप किसी भी हिंसा में से बचें हिंसा से दूर रहें किसी भी कीमत पर हिंसा ना करें एक कलेक्टर याद याद है ओबीसी का कलेक्टर जिसको कोरोना में थप्पड़ मारने की वजह से किस तरह से बेइज्जत हुआ था ये हाथी वाली तस्वीर बहुत अच्छी चल रही है गुजरात में नट्टू परमार ने अपनी बेटी की शादी हाथी पर की है क्योंकि उनको घोड़ी नहीं चढ़ने दिया गया था और सत्ताईस परसेंट ओ को लेकर देखिए छतरपुर में ये प्रदर्शन ये निखत हैं सोचिए ये एक मुक्केबाजी में विश्व चैंपियन बनी है लेकिन कहीं से कोई इनाम का ऐलान नहीं हुआ है क्या ये मुस्लिम बेटी है इसीलिए अजीत अंजुम ने ये सवाल पूछा है और कश्मीरी पंडितों का मुद्दा भी इस देश की मीडिया नहीं दिखा रही सोचिए कश्मीरी फाइल बना कश्मीरी पंडित लगभग दस दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं लेकिन कोई उनकी तस्वीर खबरें नहीं दिखा रहा है तो ये भी सोशल मीडिया पर है टीकमगढ़ कलेक्टर परिसर के सामने टीकमगढ़ निवाड़ी के विधायक फोटो का ओबीसी द्वारा जलाया जा रहा है तो अब तो ओ के विधायकों की भी खैर नहीं है लगातार चेतना फैली है और लोग सवाल पूछ रहे हैं और ये ये तमाम लोग हैं और बीकानेर में बर्बरता मन विचलित कर देने वाली है जो मैंने पहले खबर बताया और सोचिए लोग क्या क्या सवाल पूछ रहे हैं एक नवीन कुमार जिंदल हैं बीजेपी नेता है वो कहते हैं पप्पू ने एक बार फिर साबित कर दिया कि विदेशी महिला से पैदा हुआ बच्चा कभी देशभक्त नहीं हो सकता है दिलीप मंडल ने जवाब दिया है डॉक्टर एस जयशंकर जो हमारे विदेश मंत्री हैं उनकी पत्नी जापानी है जैपनीज है उनकी बच्ची सोचिए तो क्योंकि जयशंकर जापान से हैं उनके बच्चों की देशभक्ति पर भी आप सवाल उठाएंगे इस तरह की है और योगी सरकार के पास किताब कलम के लिए पेंसिल नहीं है अनमोल प्रीतम ने एक खबर शेयर किया है लेकिन वहीं ग्यारह सौ रुपये धार्मिक विभाग को आवंटित किए गए हैं वरुण गांधी ने कहा है कि छात्रों के लिए जल्दी से वैकेंसी निकाली जाए क्योंकि नौकरी के लिए वो लाले पड़ रहे हैं तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं और एक बड़ी अच्छी खबर छापी है विस्तार से भी मैं इसको वीडियो बनाऊंगा ये खबर की है अजीत अंजुम ने इसको शेयर किया है इस्लाम के आने से पहले बौद्ध स्तूपों को किन लोगों ने तोड़ा दैनिक भास्कर ने इस पर एक विस्तार से रिपोर्ट लिखी है दैनिक भास्कर ने इस्लाम के आगमन से पहले बौद्ध स्तूपों और उनके केंद्रों को राजाओं ने कैसे जमींदोज किया इसकी भी बहुत कहानियां हैं दैनिक भास्कर के आदित्य द्विवेदी का लिखा लेख पढ़िए तेरह साल पहले हिंदू राजाओं ने तोड़ने सुर कर दिए दुश्मन राज्यों के मंदिर ये भी बड़ी खबर है और ये हैं एक बड़े पुजारी हैं ये पहले बहुत विवादित रहते थे अब इन्होंने कसम खा लिया कि वो हिंदू मुस्लिम के मुद्दे पर कभी कुछ नहीं बोलेंगे अच्छा है इनको ज्ञान आया यतिद्र नाथ कुछ नाम है इनका और इनका दो सेकंड का बाइट सुन लीजिए और ये महिला की बाइट लगातार आ रही है अलीगढ़ में शेड्यूल कास्ट के अमीर लोगों को मोहल्ला खाली करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है गुर्जर आंदोलन लगातार एक बार फिर से आपके सामने आ रहा है और ये तमाम तस्वीरें और दलित महिलाओं की उम्र चौदह साल कम होती है भारत में ये भी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हैं और ये चंद्रशेखर रावण ने अलीगढ़ वाली ख़बर को लेकर भी ट्वीट किया है कि आपको घर छोड़ने की जरूरत नहीं है हम आपके घर में साथ आएंगे वहीं एक अपुष्ट खबर है जितेंद्र राजौरिया ने लिखा है कि शायद मुकुल जाटव नाम के शख्स की फेसबुक पर शिवलिंग को लेकर फिर से गिरफ्तारी हुई है तो एस सी एस टी ओ बी सी माइनॉरिटी के लोगों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है ये बहुत ही दुखद है और वहीं नेशनल दस्तक की रिपोर्टर निधि रतन पर भी हमला हुआ है दिल्ली के हिंदू कॉलेज में जहाँ वो रिपोर्ट करने गई थी वहीं डॉक्टर दिनेश पाल जयप्रकाश विश्वविद्यालय छपरा के अंगीभूत इकाई नंदलाल सिंह महाविद्यालय जैतपुर के हिंदी विभाग में कर्मठ प्रोफेसर हैं इन पर भी हमला हुआ है इन पर भी आ, आ, हमला किया गया है और प्रोफेसर प्रीत प्रोफेसर ने एफआईआर हेतु थाने में आवेदन दे दिया है दिनेश पाल के साथ मारपीट एवं अवधर इक्कीस पाँच को इक्कीस पाँच को ये जयन जयंत जिज्ञासु ने ट्वीट किया है अविनाश दास पर केस हुआ था ये आपको पता है तो लगातार इस तरह की खबरें आ रही हैं कि जो एस सी एस टी ओ बी सी माइनॉरिटी के प्रोफेसर हो पत्रकार हो इंटेलेक्चुअल हो फिल्म मेकर हों उनको लगातार निशाना बनाया जा रहा है जो लोग समझ रहे थे कि सिर्फ हिंदू मुस्लिम की बारी है उनको समझ में आना चाहिए कि इस देश में हिंदू मुसलमान से भी बड़ी जाति है और जाति के आधार पर जिनको शूद्र और अछूत समझा जाता है उनके अधिकारों के प्रति जो लोग सजग हैं उन पर हमले हो रहे हैं आपकी प्रतिक्रिया बहुत जरूरी है शुक्रिया नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।